प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम आपको जामुन के दिव्य प्रयोगों के बारे में जानकारी देंगे। जामुन जो आजकल गर्मी में बहुत ही बड़ी मात्रा में मार्केट में देखने को मिलता है। दर्शकों नमस्कार, आज हम आपको जानकारी देंगे जामुन के फल की, इसके बीज की, जो उसकी गुठलियाँ होती हैं अक्सर हम खाना इसे खा के फेंक देते हैं, अगर इस जामुन के प्रयोग हम करें तो आपको बहुत लाभ होगा। जामुन जो बहुत ही स्वादिष्ट फल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसे खाकर हम फेंक दिया करते हैं, तो इसकी जो गुठलियाँ होती हैं अगर आप उस गुठलियों को एकत्र कर लें, इकट्ठा कर लें, तो उसको सुखाकर उसके ऊपर का जो छिलका है उसे हम उतार दें और उसको पीस कर चूर्ण के रूप में उसका हम प्रयोग करें तो उसके बड़े दिव्य प्रयोग हैं। पहला प्रयोग इसका बताऊँगा, उसकी गुठलियों में जम्बोलेन नाम का एक यौगिक होता है, जम्बोसिन और जम्बोलेन, जो कि मधुमेह रोग में, डायबिटीज में शर्करा की मात्रा को कम करने में विशेष लाभदायक है और हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा मधुमेह रोगी इसके जामुन के बीजों को सुखाकर इसका चूर्ण बनाकर प्रतिदिन सुबह शाम या दोपहर में पानी के साथ लेते हैं तो इसका लाभ होता है, इसका बड़ा विशेष लाभ है। इसके साथ ही दूसरा प्रयोग है इसका पथरी के इलाज में, अगर भी पेट में पथरी है तो आप इसके चूर्ण को दही के साथ प्रयोग करें, एक चम्मच जामुन के चूर्ण, गुठली के चूर्ण को दही के साथ प्रयोग करेंगे आपको बहुत लाभ होगा। पेट संबंध अगर इसका फल आप खाते हैं जामुन का, तीसरा प्रयोग है जामुन आप प्रतिदिन, फिलहाल वर्तमान समय में चल रहा है तो इसके फल को आप प्रतिदिन इसका प्रयोग करते हैं तो पेट संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं, कब्जियत, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, आंतों में कोई संक्रमण हो वो ठीक हो जाता है। लेकिन इसका एक प्रयोग ये भी है कि अधिक मात्रा में इसका प्रयोग ना करें और सावधानी जो है खाली पेट इसका प्रयोग ना करें जामुन का, इससे दिक्कत हो सकती है, और इसको कुछ भोजन करने के बाद या कुछ खाने के बाद जामुन का प्रयोग करा करें तो बड़ा लाभ होगा। हमारे देश को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। जम्बू द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश में जामुन के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते थे प्राचीन काल में और इसके औषधीय प्रयोग तो थे ही, तंत्र शास्त्र में भी, ज्योतिष शास्त्र में इसकी बड़ी महिमा थी, इसलिए देश का नाम जम्बू द्वीप कहा गया। और ज्योतिषीय उपाय यदि कहा जाए, इसका ज्योतिषीय उपाय है कि यदि आप शनि दोष से पीड़ित हैं, साढ़े साथी से पीड़ित हैं, ढैया से पीड़ित हैं, राहु जनित दोषों से पीड़ित हैं, राहु मंत्र का जाप करना चाहते हैं, शनि मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, तो इसके गुठलियों की माला बनाकर आप उससे 108 बार जाप करें शनि मंत्रों का, राहु मंत्रों का, तो शनि दोषों से पीड़ा से शांति मिलती है और विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं जन्म कुंडली के अंदर उससे निराकरण होता है, इसका लाभ होता है अगर हम इसका प्रयोग करते हैं उसकी माला बनाकर। इस प्रकार आपने देखा होगा कमलगट्टे की माला होती है, तुलसी की माला होती है, उसी प्रकार जामुन के बीजों की माला बनाकर यदि आप शनि मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको लाभ होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाभ होगा। घर में धन संबंधी दिक्कतें हो जाएंगी, यदि कर्ज आपके पास ज़्यादा है और आपके कार्यों में विलंब होता है तो आप जामुन के बीजों की माला बनाकर उसकी शनि मंत्रों का जाप करें, राहु मंत्रों का जाप करें, तो आप पाएंगे कि आपकी धन संबंधी सभी दिक्कतें एक माह के अंदर, लगभग 40 दिनों के अंदर पूर्ण खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगा यदि आप इसका प्रयोग करते हैं। जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि आप भगवान शंकर की एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, शनि मंत्रों का जाप करते हैं, तो उससे भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ग्रहण काल में यदि आप जामुन के वृक्ष के नीचे बैठकर शनि मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो उसका बड़ा विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक में भी श्रावण माह आने वाला है या वैसे भी आप वर्तमान में और अधिक मात्रा में जामुन प्राप्त हो जाता है, यदि आप जामुन के से भगवान शंकर को अर्पित करें, जामुन के रसों से शंकर जी को अर्पित करें, उसका दिव्य प्रयोग है। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, जिस प्रकार बेल अति प्रिय है उस प्रकार जामुन अति प्रिय है। जामुन के पत्तों का भी चूर्ण बनाकर उसके छाल की छाल का प्रयोग करके आप इसका फायदा उठा सकते। ये जो आप जामुन देख रहे हैं प्रिय दर्शकों, इसका प्रयोग करके आप कई प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पथरी के इलाज में भी इसका प्रयोग करता है, इसके गुठलियों के चूर्ण बनाकर दही के साथ आप प्रयोग करें, इसमें कई ऐसे तत्व ऐसे पाए जाते हैं कि कैंसर
रोग से भी बचाने में प्रयोग लाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर संबंधी दोषों को दूर करने के लिए। यदि आपके घर में किसी को दस्त हो जाए, पेट संबंधी मरोड़े उठने लगे, तो आप इसको सेंधा नमक के साथ प्रयोग करें तो तुरंत दस्त में या पेटों में ऐंठन जो होती है, पेट में जो दर्द उत्पन्न होता है अचानक बच्चों के या किसी के, उसमें आपको लाभ मिलता है। और इसका प्रयोग करने के बाद इसके इस जामुन के वृक्ष का पत्ते, छाल, फल खाने के बाद इसका जो गुठलियाँ होती हैं, सब कुछ बड़े प्रयोग में लाया जाता है, औषधीय प्रयोग में। इसका प्रयोग अम्लीय प्रकृति होती है इसकी, इसलिए इसको कहा जाता है कि इसको खाली पेट ना यूज करें, खाली पेट प्रयोग ना करें इसको। इससे आप बहुत लाभ कमा सकते हैं। वर्तमान में मार्केट में बड़ी मात्रा में जामुन का ये फल आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक समय के बाद ये प्राप्त नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि जामुन को खरीद कर उसके जो गुठलियाँ होती हैं उसको एकत्र करके उसको चूर्ण बनाकर अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पंसारी के दुकान पर आपको ये प्राप्त होंगे। उससे बढ़िया जहीं भी आपको जामुन अधिक मात्रा में मिलता है, या जामुन के वृक्ष के नीचे कुछ जामुन अपने आप ही गिर जाते हैं, तो आप उन बीजों को इकट्ठा कर सकते हैं और उसका इकट्ठा करने के बाद उसका प्रयोग अपने घरेलू जीवन में कर सकते हैं। बाद में पंसारी की दुकान पर आपको महंगी मिलेगी। आप किसी भी जामुन के वृक्ष के नीचे जाइए, कई सारे प्रकार के जामुन के वृक्ष के नीचे पड़े मिलेंगे, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने बच्चों को खिलाइए। बहुत ही लाभकारी ये फल हमें प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने जिस प्रकार हमें पीठ पर बिल्व पत्र, अरुण अर्जुन की छाल और दिए हैं, उसी प्रकार ये जामुन का भी एक दिव्य वृक्ष हमें प्रकृति ने प्रदान किया है। इसका लाभ उठाएं और लोगों को भी जानकारी दें।